एएमसी इनिशियल टेस्ट 3 अगस्त 2021 फ्रॉम ऑल सेंटर्स फर्स्ट ऑफ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एएमसी इनिशियल टेस्ट 3 अगस्त 2021। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। हमारा जो अभी आया था पेपर, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंस दिया उसके मुताबिक मैंने ये जो है ना आपके लिए वीडियो बनाई है। बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर जो पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं वो केमिस्ट्री में से आ रहे हैं, बायोलॉजी पोर्शन बहुत कम आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन में सेंटेंस के टाइप पूछते हैं, सिनोनिम और एंटोनियम्स 2-3 आते हैं, और इसके बाद जो है ना वो एक चीज़ और पूछी जाती है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब वगैरह ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहले ही रेडी रहना है। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मेरे पास आए, मुख्तलिफ लोगों का एक्सपीरियंस है जो, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स की डायमेंशन क्या है, ML2-2। For freely falling body in the absence of friction, which is correct? Loss of potential energy is equal to gain in kinetic energy. The length of second pendulum is, second pendulum की length कितनी होती है, 100 centimeter. इसको आपने millimeter में भी convert कर लेना है, मीटर्स में भी कन्वर्ट करके देख लेना क्या आता है, क्योंकि उधर मीटर्स में भी पूछ सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी पूछ सकते हैं, सेंटीमीटर में भी पूछ सकते हैं। इफ 40 वेव्स पासेस थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड एंड स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द वेवलेंथ? तो आपने वेवलेंथ काउंट करनी है 100 सेंटीमीटर। ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट? तो इसका आंसर है 2×10^4। और एक और आपको क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पूछा जाता है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है इसमें 500 लाइंस हैं पर सेंटीमीटर, तो फिर ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा? ओके, NaC मेयर्स वी नॉट इन सर्किट पीक वैल्यू इज, पीक वैल्यू क्या होगी? √2V0। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द गैस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो गैस का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। The velocity of a conductor moving in strong magnetic field is zero, then EMF will be zero. Okay? जब strong magnetic field में velocity होगी zero, तो जो induced EMF होगा वो भी zero होगा। Electromotive force, sorry, induced EMF नहीं, electromotive force. The open loop gain is 10^5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन है, 2-3 सेंटर्स में आया ये। द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी आर इन विच रीजन? इंफ्रारेड, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी से, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो किस रीजन में होती हैं? इंफ्रारेड। Which alcohol have same molar mass as acetic acid? Acetic acid की तरह कौन सा alcohol है जिसका molar mass same है acetic acid जैसा? तो propanol है, इनमें और इसमें तकरीबन 0.0 कुछ का फर्क है, बाकी same है तकरीबन, ठीक है। Propanol and acetic acid have same molar mass. Beads is the superposition of, beads superposition है किस चीज़ की? Two waves of nearly equal frequencies. Okay. When a sound object moves towards you, जब एक sound object आपकी तरफ move कर रहा है,
द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, तो साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी होगी ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगी, ज्यादा होगी। जूं जूं एक ट्रेन आपकी तरफ आएगी उसकी आवाज़ ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। डॉपलर इफेक्ट वर्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बोथ लाइट एंड साउंड, अब आपको क्या किया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है लाइट, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है साउंड, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है वेव, पता नहीं ऐसा कुछ, और नीचे एक ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी, जिसमें ए लाइट होती है बी साउंड होती है, तो आपने आंसर लगाना होता है बोथ ए एंड बी। ओके, द पीरियडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर कॉल्ड पीरियडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड, ये क्या होती हैं बीट्स, मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान जो पीरियडिक अल्टरनेशन होती है उनको हम बीट्स बोलते हैं। द यूनिट्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी आर, एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूनिट्स कौन से यूज होते हैं, रेडियन पर सेकेंड, और अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द एम्ब्रियो सैक अकर्स इन ओव्यूल, इंपॉर्टेंट है। अंडर विच फेज ऑफ द ग्रोथ द बैक्टीरिया इंक्रीज देयर साइज बट डू नॉट डिवाइड, बताएं जी कौन सा वो फेज है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो तो करता है बट उसका साइज भी बढ़ता है बट डू नॉट डिवाइड, लेकिन वो डिवाइड नहीं होता, तो ये फेज होता है लैग फेज। ओके, फंक्शंस ऑफ रिनॉल कॉर्टेक्स इन किडनी इज, रिनॉल कॉर्टेक्स की किडनी में क्या फंक्शन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन, बट जो आपके पेपर में आ रहा है वो है 32 फारेनहाइट, ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, आपके पेपर में फारेनहाइट भी पूछा जा सकता है, केल्विन भी पूछा जा सकता है, 32 फारेनहाइट। इन द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एनहाइड्राइड एंड अमोनिया द अमाइड फॉर्म्ड इज, रिएक्शन जो होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड और अमोनिया के दरमियान उसमें अमाइड बनता है, उसका नाम क्या है, इथन अमाइड। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। द केमिकल फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बच्चे ओ माइनस टू। ओके, विच प्रोटीन इज कन्फाइंड इन प्लाज्मा, कौन सी प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में कन्फाइंड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक में ये ऑप्शन था और एल्बुमिन, और इसके बाद एक और डिबगलिन ऐसा कुछ था, ठीक है, डिबगलिन एल्बुमिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे राइट आंसर हैं। व्हाट वेन हैज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, कौन सी वेन है जिसमें हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होती है, आर्टरीज में। स्मूथ मसल सेल्स आर, ये होते हैं स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। NH4Cl इज एन एसिडिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए वीक बेस, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इस रिएक्शन को जो कि HCl और NH3 के दरमियान होगा इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। अब हमने तो ये नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था कि जब एक एसिड और वीक बेस जो है ना उनका रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अपोजिट ऑफ वाइल्ड इज टेम या कल्टीवेटेड आना था, ये कल्टीवेटेड लिखती है। सिनोनिम ऑफ ग्रीफिंग इज, ग्रीफिंग का सिनोनिम होता है डिस्ट्रेस।